चाय बनाते थे पापा हमारे लिए, तो कहते थे चलो अब बनाना खाओ और चलो रनिंग पे। हमें 5 किलोमीटर स्टार्टिंग से, जब हम 11 12 मतलब थे तब से हमें करवाना स्टार्ट कर देता था उस एज में ही। उल्टा बोलते हैं ना, वो उल्टी थ्योरी होती है कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, तू रहने दे, हमारी बेइज्जती भी करवा के आ जाएगी। तो मैंने ऐसे मोटिवेट किया, यार वहां भी बेइज्जती हो जाएगी बहुत अच्छी वाली, तो कुछ तो मतलब ऐसा करना है, अब करके ही जाऊंगी। और सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी, मेरे पास फ्लैग था अपने इंडिया का, तो मुझे ये था कि यार ये इसको ऐसे तो नहीं मैं ले जा सकती वापस, इसको तो फहरा के ही जाएंगे। Awesome. Welcome to the Garam Avtaar show. In today's episode, I have with me Ramanjot Kaur, who is a world record holder in mountaineering. She recently caught the media's eyes when she took yoga atop a mountain top. She accomplished a remarkable feat when she scaled Mount Elbrus, one of the highest peaks in Europe. There, she reportedly performed Surya Namaskar, a yoga pose offered as salutations to the sun, at the peak under extreme conditions. In 2020, Kaur climbed the Kilimanjaro peak of South Africa in 17 hours. She managed to become a certified unique world record holder by achieving the fastest expedition to Mount Kilimanjaro with 4 crew members. Thanks for joining me, Ramanjot. Such a pleasure to have you on my show. Thank you so much for inviting me. So, Ramanjot, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए, आप और यू नो आपकी चैलेंजेस के बारे में कुछ बताइए, और आपने इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया? जब मैं बहुत छोटी सी थी तब से ही मेरे पापा ने हमें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। okay. जैसे दंगल वाली मूवी है ना, कुछ उसी टाइप की ट्रेनिंग हमें भी मिलती थी। तो उस टाइम लगता था कि अरे क्या टॉर्चर कर रहे हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठा रहे हैं। हम बोलते थे पापा सब सो रहे हैं यार, क्यों हमें उठा रहे हो आप 4 बजे सुबह। पापा हम तीन ब्रदर्स, तीन भाई बहन थे, सिबलिंग्स, तीनों को उठा के सुबह सुबह, पापा हम पंजाबी हैं तो हमें पहले चाय तो चाहिए, जो मर्जी हो चाय बनाते थे पापा हमारे लिए, मम्मा को नहीं उठाते थे, मम्मा को तंग नहीं करते थे, चाय बनाते थे पापा हमारे लिए। तो कहते थे चलो अब बनाना खाओ और चलो रनिंग पे। हमें 5 किलोमीटर स्टार्टिंग से, जब हम 11 12 मतलब थे तब से हमें करवाना स्टार्ट कर देता था उस एज में ही। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे ब्रदर्स का तो कम होता गया क्रेज, बट मुझे ये था कि पापा ने इतनी मेहनत की है हम पे, इतना सुबह उठे हैं, इतनी तो हमें भी मतलब उसका कुछ पे बैक करना चाहिए। तो मैंने इसको कंटिन्यू किया आगे। मैं अकेली प्रैक्टिस करने जाती थी तो पापा को भी प्राउड होता था कि हाँ चलो लड़के तो नहीं आगे कर पाए इसको कंटिन्यू, उनका अलग इंटरेस्ट चला गया, बट लड़की कर रही है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे। पहले मैं स्टार्टिंग मैंने की एथलेटिक्स से। That's amazing. जैसे बोलते हैं ना, योर फादर हैज बिन द विंड बीनीथ योर विंग्स। सो आपको क्या लगता है आपके जीवन की बेस्ट लर्निंग क्या है? बेस्ट लर्निंग तो यही है कि मतलब कुछ भी कहीं से भी हम सीख रहे हैं ना, उसको अडॉप्ट करो। अगर अच्छी चीजें हैं तो उसे अडॉप्ट करना चाहिए हमें, क्योंकि हम सोचते हैं कि यहाँ से क्या मिलेगा। कोई छोटा बच्चा भी है ना, वो भी आपको बहुत कुछ सिखा सकता है अगर आप सीखना चाहो। हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स भी हैं, अभी मैं जैसे एडवेंचर गाइड हूँ, तो स्टूडेंट्स हैं जो मेरे, उनसे भी मैं जब भी उनसे बात करती हूँ तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है मुझे। सुपर। सो जैसे आपने बोला कि आपके फादर मॉर्निंग में उठा के और आपको ट्रेनिंग आपको बहुत पहले से उन्होंने कराई है, तो लेकिन माउंटेनियरिंग का कैसे सोचा आपने? तो उन्होंने आपको माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग करी है शुरू से, या फिर व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग हैज ही गिवन टू यू? नहीं, उन्होंने हमारे इंड्योरेंस पे वर्क किया था, हमें इंड्योरेंस बढ़ाने पे कि हम तुमने कैसे इंड्योरेंस बढ़ाने हैं ताकि हम हर गेम में जा पाए जिसमें हम चाहते हैं। बिल्कुल। तो पापा ने बोला था कि अब तुम्हारी मर्जी है, मैंने अब अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी मर्जी है जिस भी गेम में तुमने जाना है। पहले मैंने मैराथॉन्स लगानी शुरू की थी, पहले मैंने शुरू की 1500 मीटर से, फिर धीरे धीरे मैं लॉन्ग रेसेस करने लगी। फिर मुझे लगा कि यार इसमें तो मेडल आ रहा है, पर कुछ और एडवेंचरस चाहिए मुझे जिंदगी में ना। फिर मैंने बेसिक कोर्स किया माउंटेनियरिंग का, तो वहां से मैंने देखा यार ये तो कुछ एक डिफरेंट ही मतलब वर्ल्ड है। ये 1 मंथ की ट्रेनिंग होती है, उसमें मतलब बहुत ही ज्यादा टफ रहती है ये ट्रेनिंग। ग्लेशियर पे भी आपकी ट्रेनिंग होती है, हर चीज आपको मतलब, जहाँ फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैक किया था वो वर्ल्ड का थर्ड टफेस्ट रूट है, कंचनजंगा रेंज है जो अपना इंडिया का जो नंबर 1 पे है। तो वहां जाके पता चला यार ये कुछ अलग ही है, कुछ डिफरेंट चीज है, ये यही मुझे चाहिए।
कभी कभी क्या होता है कि हमारी जर्नी इतनी ईजी नहीं जाती है, चैलेंजेस से भरी भी होती है, और जर्नी में ऐसे बहुत आई एम श्योर यू नो मोमेंट्स आते हैं जब हमको लगता है कि मतलब यू नो हार मानने का मन करता है, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं. तो कभी कुछ ऐसे आपके मन में यू नो थॉट्स आए, नेगेटिव थॉट्स, और आपने उनको कैसे ओवरकम किया, उस फीलिंग को कैसे ओवरकम किया कि भाई ठीक है आप हार मान लेना, अब नहीं हो रहा है, मतलब यू नो इट्स यू नो गिव अप करने का बहुत बार मन करता है, तो उस फीलिंग को कैसे ओवरकम किया आपने? बिल्कुल ऐसे ही ख्याल आते हैं जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है लाइफ में, और ऐसी प्रॉब्लम आई जब मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अटेम्प्ट कर रही थी. किलिमंजारो मैंने क्लाइम किया था 2019 में, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था, मैंने रनिंग करके 24 आवर्स में अप डाउन किया, जो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है. अच्छा. तो तब मुझे एक बीच में पॉइंट आता है गिलमन पॉइंट, वहां आके मुझे ऐसा लगा यार इससे आगे मैं जा ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी. फिर मैंने ऐसे खुद को मोटिवेट किया कि मेरे फ्रेंड्स थे ना, उन्होंने मतलब उल्टा बोलते हैं ना, वो उल्टी थ्योरी होती है कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, तू रहने दे, हमारी बेइज्जती भी करवा के आ जाएगी. तो मैंने ऐसे मोटिवेट किया यार वहां भी बेइज्जती हो जाएगी बहुत अच्छी वाली, तो कुछ तो मतलब ऐसा करना है, अब करके ही जाऊंगी. और सबसे बड़ी मोटिवेशन ये थी, मेरे पास फ्लैग था अपने इंडिया का, तो मुझे ये था कि यार ये इसको ऐसे तो नहीं मैं ले जा सकती वापस, इसको तो फहरा के ही जाएंगे. Awesome, that's great. और आपने वो करके दिखाया. So basically give up नहीं करना है एकदम भी, मतलब you know, चाहे कैसे भी हालात हो, सिचुएशन हो, हार बिल्कुल नहीं माननी है, अपने आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना है. सो अच्छा आप बताइए आपके डेली रूटीन के बारे में थोड़े बताइए, आपके कुछ अच्छे हैबिट्स जो आप यू नो एवरी डे फॉलो करती हैं, जो कोई आपका मॉर्निंग का रूटीन कैसे रहता है, मतलब एक तो ट्रेनिंग वाला होता है, एक नॉन ट्रेनिंग वाला भी रहता है, तो नॉन ट्रेनिंग का बताइए, नॉन ट्रेनिंग वाले डेज के कुछ ऐसा चीज जो हैबिट जो आप हमेशा फॉलो करती हैं और आपको उन हैबिट्स के कारण बहुत बेनिफिट हुआ हो. नॉन ट्रेनिंग डेज पे मैं योगा प्रेफर करती हूँ करना, क्योंकि उससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है. जैसे कई बार हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाती है, ऐसी स्ट्रेसफुल चीजें आ जाती है, तो उस दिन मैं हल्का फुल्का जैसे योगा कर लेती हूँ, तो वो बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा सीरियसली. अच्छा. सो लेकिन फिर ट्रेनिंग के दौरान आप योगा नहीं करती हैं, तो आप ट्रेनिंग के दौरान जिम यू नो फिटनेस एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा करती हैं, दैट मींस टाइम में रनिंग, बैलेंस डाइट, ये सब होता है. नॉन ट्रेनिंग के टाइम थोड़ा बहुत चीटिंग चल जाता है. अच्छा अच्छा अच्छा. ओके ओके. सो आपको क्या लगता है कि एक सही एटीट्यूड क्या है, यू नो सही माइंडसेट क्या है एक विनर के लिए, और हमको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? हमें सिर्फ ये नहीं सोचना है कि हम गिव अप कर दें, कैसी भी सिचुएशंस हो हम उससे निकल सकते हैं. अगर हमारा पॉजिटिव माइंड है तो हम आराम से निकल सकते हैं. नेगेटिव थॉट्स को बस दूर करना है खुद से, और सब कुछ फेलियर्स जो आते हैं ना उसे सीखना चाहिए हमें. मैंने बहुत कुछ सीखा है. जब मैंने रिकॉर्ड बनाने की सोची या इस लाइन में आने की सोची, तब मतलब मैं एक मिडिल फैमिली से हूँ, तो मेरे पास इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं थी कि मैं कर पाऊँ. बट वो है ना, जब करने लग जाते हैं धीरे धीरे, हमारा पॉजिटिव माइंड है कि नहीं मैं यार कर लूंगी कहीं ना कहीं से कुछ भी करके. फिर मैंने एडवेंचर गाइड भी बनी, तो वहां से पैसे इकट्ठे किए, कुछ ना कुछ करके मतलब वो हो जाता है. अगर करना चाहो तो सब कुछ मुमकिन है. ऑसम. सो एज एन एडवेंचर गाइड, मतलब आप कोई लाइक आप कोई सर्टिफाइड एडवेंचर गाइड होंगे ना, आई एम श्योर. Awesome. उसके बारे में जरूर हम डिटेल दीजिएगा, मैं जरूर अपने दर्शकों को बताऊंगी, मैं उसमें मेंशन कर दूंगी, तो प्लीज डिटेल जरूर शेयर करिएगा इसके बारे में. नाउ वील कम टू द रैपिड फायर क्वेश्चंस, ये छोटे शॉर्ट आंसर्स हैं एकदम. या आर वी गुड टू गो? या ओके. सो आप अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए क्या करती हैं? मोटिवेट रखने के लिए तो मुझे बस एक ही चीज है कि पॉजिटिव माइंड. जैसे मैंने पहले बताया, मोटिवेट हम ऐसे ही कर सकते हैं खुद को. एक कुछ कई बार होता है, कुछ कोट्स पढ़ लेती हूँ थोड़े बहुत कि हाँ मोटिवेशनल कोट्स देख लिए जब. और सबसे बड़ी चीज मैं करती हूँ आजकल के टाइम में है सोशल मीडिया है, वो मैं सब बिल्कुल बंद कर देती हूँ, क्योंकि हम उसमें ड्रेन हो जाते हैं एकदम कि उसी में खो जाते हैं कई बार. फिर मुझे खुद लगने लग जाता है कि नहीं यार ये चीजें इफेक्ट कर रही हैं, मेरी ट्रेनिंग को इफेक्ट कर रही हैं, तो मैं कुछ टाइम के लिए वो सब बंद कर देती हूँ. फिर मुझे लगता है कि ठीक है अब मैं नॉर्मल चला सकती हूँ, तो मैं चलाती हूँ. Okay, great, great. So, what's the best advice that you've ever got? Ever got? Actually, मेरे मैम थे, मेरे physical education के मैम थे, तो
मैम ने मुझे एक एडवाइस करी थी, मैंने मैम को बोला था कि मैम मतलब आज हमारा कॉम्पिटिशन है और आई एम ऑन पीरियड्स तो मैं नहीं कर पाऊंगी शायद, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगी। तो मुझे मैम ने बोला था कि जब पता है रिकॉर्ड्स जब टूटते हैं ना तो ऐसे टाइम में ही टूटते हैं और ये किसी को पता नहीं है। मैंने बहुत चीजें देखी ऐसी, बहुत चीजें सुनी, तो वो मुझे हमेशा मेरे माइंड में आता है। अभी मैं सेकंड टाइम जब किलिमंजारो गई तो सेम सिचुएशन थी, फिर मैंने मैम का वही सोचा कि यार मैम ने ये बोला था, मैं कर लूंगी कैसे भी करके। Awesome, yeah, beautiful. आपका कोई और साइड पैशन जो आप फॉलो करती हैं? मैं डांसिंग और ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब चीजें मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, डांस भंगड़ा करती हूँ मैं। भंगड़ा, नाइस नाइस। हमेशा ऐसा होता था कि मुझे तो ये करना ही है कुछ भी हो जाए। Awesome. So, भंगड़ा में भी बहुत फिटनेस चाहिए होती है, उसके लिए भी काफी अच्छा एंड्योरेंस चाहिए होता है भंगड़ा करने के लिए। दैट्स अ ग्रेट डांस। ओके, सो आपको अगर जैसे अपना हर एक आई थिंक अपने को जो अपना मकसद होता है उसको पाने के लिए एक फोकस चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस चाहिए होता है अपने अंदर, और फेथ चाहिए होता है, तो आपको क्या लगता है कि इसको अगर यू नो फेथ बढ़ाना हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो उसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। सबसे पहले तो देखो अपना डिसिप्लिन में आना जरूरी है बहुत ज्यादा। अगर हम एक अच्छी डिसिप्लिन नहीं रख सकते, अच्छा डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है गोल्स, अपने गोल्स हमेशा होने चाहिए, छोटे छोटे गोल्स बनाओ ताकि आप वो बड़ा वाला गोल अचीव कर पाओ। एकदम से कोई भी बड़ा गोल अचीव नहीं कर पाएगा। अभी मैंने ट्रैवलिंग कंपनी भी खोली, पहले मैं एडवेंचर गाइड बनी, वहां से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, तो वहां से फिर मेरे बहुत सारे कॉन्टेक्ट बने, फिर मैंने अभी अपनी कंपनी खोली है, खुद की ट्रैवलिंग कंपनी खोली है। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए हमेशा। सुपर सुपर। आपके आपके हिसाब से बेस्ट फिजिकल फिटनेस और न्यूट्रिशन एडवाइस क्या है? न्यूट्रिशन एडवाइस तो मैं कहूंगी कि सबको अपना मतलब एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए। खुद हमारे पापा घर में ही लगा लेते हैं, अगर जगह नहीं मिलती है कहीं तो छत पे उगा लेते हैं, क्योंकि बाहर अभी कहीं भी कुछ भी प्रॉपर मिल नहीं रहा है, सब बेकार है, तो घर में उगा लो बेटर है। अपने पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, छत पे लगा लो, गमलों में लगा लो, तो वो सब चीजें आप बाहर से खाने से बेहतर है कि घर से खाओ। फास्ट फूड मत खाओ, बहुत बहुत बुरा असर करता है वो। जब हम फास्ट फूड खाते हैं ना, मैं कभी खा लेती हूँ, अगर 2-3 दिन बाद मेरी मैराथन होती है मुझे प्रॉपर पता चलता है कि मैंने ये खाया था। ओके, उसका एक्चुअली असर दिखाई देता है एक्चुअली। यस यस, बिल्कुल एकदम अच्छे से। आपको क्या लगता है कि जैसे परफेक्शनिज्म जैसे बोलते हैं ना, परफेक्ट हम चाहते हैं कि हर चीज परफेक्ट हो, आपको क्या लगता है कि परफेक्शनिस्ट होना या परफेक्शनिज्म इज अ गुड थिंग, या हमको परफेक्ट होना चाहिए हर चीज में? कोई भी एकदम परफेक्ट हो ही नहीं सकता कभी भी, हमें कुछ ना हमेशा हम सीखते रहते हैं, तो कोई भी परफेक्ट कैसे हो सकता है? हमेशा हम बच्चों से सीख रहे हैं, हम बड़ों से सीख रहे हैं, तो कोई भी परफेक्ट नहीं है। बस हमें चीजें सीखनी है और ग्रो करना है, तो परफेक्ट नहीं। उसमें जाएंगे भी ना तो हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, हम सीख ही नहीं पाएंगे, हम एकदम एक्यूरेट चीजें भी नहीं कर सकते लाइफ में। परफेक्ट, सो परफेक्ट आंसर बाटा। ओके, सो आपका फेवरेट कोट क्या है, कोटेशन? नेवर गिव अप। ओ सिंपल एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट्स अ वेरी वेरी पावरफुल कोट। ओके, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो? भाग मिल्खा भाग, वो देखने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गई थी यार, मतलब इतनी उसके उनके सर के लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर भी वो सबको टैकल करके अपना जो पैशन है वो फॉलो करते हैं, मतलब अमेजिंग, वहां से बहुत इंस्पायर हुई। ऑसम। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट? एम्बैरेसिंग था एक्चुअली एक मोमेंट, मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी थी बीच में। जब ट्रेनिंग में होते हैं सबको पता होता है कि यार ये फर्स्ट आती है, पहले लड़कियां डर जाती है, हाँ अरे यार ये आ गई है तो अब तो मतलब हम तो रहने देते हैं। तो मैं काफी टाइम बाद, एक गैप हो गया था बीच में, मैं ज्यादा मतलब थोड़ा सा अपनी कंपनी की तरफ ध्यान देने लगी थी, ट्रेनिंग बहुत कम हो गई थी 6 महीने से 3 थी, तो मैं उस टाइम मतलब बहुत पीछे रह गई, लाइक थर्ड फोर्थ पे आई थी, फोर्थ पोजिशन पे रनिंग में। तो सब जानते थे रास्ते में, सब मुझे देख रहे थे कि ये वही लड़की है जो फर्स्ट आती है, तो वो मुझे बहुत एम्बैरेसिंग लगा कि अरे यार सबको पता है। फिर मैंने दोबारा से ट्रेनिंग स्टार्ट की, नहीं यार वहां रहना है हमें। ऑफ कोर्स, वो सबसे ज्यादा था। सुपर। प्राउडेस्ट अकम्प्लिशमेंट सो फार? वर्ल्ड रिकॉर्ड, यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मैंने बनाया था,
वो मतलब अभी तक सबसे ज्यादा मैं उस चीज प्राउड करती हूँ। मैं एक्चुअली जब हम माउंटेन के टॉप पे पहुंचते हैं ना, खुद ही एक ऐसा मोमेंट होता है, रोना आ जाता है। मतलब एक वो बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है कि हम अपना झंडा दूसरे देश के टॉप पे फहरा रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा प्राउड हुआ था। और एक रिकॉर्ड बनाना, 2019 में मैंने बनाया था ये, और अभी तक ये रिकॉर्ड कायम है, तो वो बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। सुपर। सो लेकिन आपने सूर्य नमस्कार कैसे करने की सोची, आपने योगा कैसे करने का सोचा, मतलब माउंटेन टॉप पे? योगा मैंने एक्चुअली, मुझे था कि सब एल्ब्रस पे जैसे जा रहे हैं, सेवन समिट्स कर रहे हैं, और भी बाकी हैं जैसे किलीमंजारो भी जा रहे हैं, तो मुझे हर जितनी भी पीक्स है सब पे कुछ डिफरेंट करना है। मतलब नॉर्मल तो ठीक है जा रहे हैं, मुझे ये था कि यहाँ भी मैं कुछ डिफरेंट कर सकती हूँ। मैंने डिस्कस किया 2-3 दिनों से, मैंने सर से डिस्कस किया, मैंने कहा कि ऐसे करना है। वो कहे नहीं कर पाएगी यार, तू कैसे कर पाएगी, इतना वेट होता है, 4-5 kg के हमारे शूज होते हैं उस टाइम, और बहुत सारे कपड़े भी होते हैं, मतलब 5-6 किलो के कपड़े हो गए तुझ पे, और नहीं कर पाएगी तू। मैंने सोच लिया था कि मैंने करना ही है, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं करके ही आऊंगी अब। Awesome. मैंने कहा अब तो मैं बना, अब बोल दिया है ना कि नहीं कर पाएगी, अब तो मैं पक्का करूंगी। तो वो बहुत, और -35 था, हमने एक्सपेक्ट किया था -25 टेम्परेचर, -35 टेम्परेचर में किया था, तो वो भी एक अलग मतलब बहुत अच्छा फील होता है कि ये मैंने किया है कुछ डिफरेंट। Awesome. This is so proud. I'm so happy to hear that. और मुझे लगता है आपने जो जिद ठान ली ना, तो फिर वो करके दिखाना है, तो ये एक्चुअली इसी के कारण, यू नो, आई मीन इट इज सो अमेजिंग एक्चुअली, दिस काइंड ऑफ माइंड सेट इज अमेजिंग। And with this, we come to the end of the show. Thank you so much, Ramanjot, for joining me in this absolutely fantastic session. Thank you so much. Thank you all for listening to today's episode with your host, Garima Aftar. See you in the next one. Have a great day. Bye.